नमस्कार, राम अवतार द्वारा आपका स्वागत है। लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश, प्रश्न 51 से 107 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश, नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना और ख्याति। प्रश्न 51, व्यवसाय के लाभों के कुछ वर्षों के गुणा के आधार पर किसका मूल्यांकन किया जाता है? उत्तर, ख्याति का। प्रश्न 52, व्यवसाय के लाभों के कुछ वर्षों के गुणा के आधार पर ख्याति के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? उत्तर, वर्षों की क्रय विधि। प्रश्न 53, ख्याति के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के लाभों की गणना के आधार कौन से हैं? उत्तर, 1 औसत लाभ आधार, 2 अधिलाभ आधार, 3 पूंजीकरण विधि। प्रश्न 54, औसत लाभ आधार की विधियाँ कौन सी है? उत्तर, 1 सरल औसत लाभ, 2 भारित औसत लाभ। प्रश्न 55, ख्याति के मूल्यांकन की वह कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है? उत्तर, सरल औसत लाभ विधि। प्रश्न 56, ख्याति के मूल्यांकन में औसत लाभों की गणना करते समय पिछले वर्षों के लाभों में कौन कौन से समायोजन किए जाने चाहिए? उत्तर, 1 सामान्य आय या लाभ, 2 असामान्य व्यय या हानियाँ, 3 गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय। प्रश्न 57, औसत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, औसत लाभ बराबर कुल समायोजित लाभ भाग वर्षों की संख्या। प्रश्न 58, वास्तविक औसत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, वास्तविक औसत लाभ बराबर औसत लाभ बाकी साझेदारों का पारिश्रमिक। प्रश्न 59, ख्याति कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, ख्याति बराबर वास्तविक औसत लाभ गुणा वर्षों के क्रय की संख्या। प्रश्न 60, जब पिछले वर्षों के लाभों में निरंतर घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति हो तो साधारण औसत के बजाय ख्याति की गणना किस आधार पर की जाती है? उत्तर, भारित औसत लाभ के आधार पर। प्रश्न 61, भारित औसत लाभ विधि में प्रत्येक वर्षों का लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है? उत्तर, इस विधि में प्रत्येक वर्ष के लाभों का भार क्रमशः 1, 2, 3, 4 देकर गुणनफल द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रश्न 62, भारित औसत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ भाग कुल भार। प्रश्न 63, यदि फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, अधिभार। प्रश्न 64, व्यापार के वास्तविक औसत लाभ व सामान्य लाभ का अंतर क्या कहलाता है? उत्तर, अधिलाभ कहलाता है। प्रश्न 65, अधिलाभ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? उत्तर, अधिलाभ वास्तविक औसत लाभ बाकी सामान्य लाभ। प्रश्न 66, सामान्य लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय दर। प्रश्न 67, विनियोजित पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, विनियोजित पूंजी बराबर प्रयुक्त संपत्तियां बाकी बाह्य दायित्व। प्रश्न 68, सामान्य प्रत्याय दर कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, सामान्य प्रत्याय दर बराबर ब्याज की दर प्लस जोखिम का तत्व। प्रश्न 69, ख्याति का मूल्य शून्य कब होता है? उत्तर, जब अधिलाभ शून्य या ऋणात्मक हो। प्रश्न 70, ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे? उत्तर, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा वर्षों के क्रय की संख्या। प्रश्न 71, ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है? उत्तर, पूंजीकरण विधि। प्रश्न 72, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन कितने आधारों पर किया जाता है? उत्तर, 2 आधारों पर, 1 औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, 2 अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। प्रश्न 73, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ गुणा 100 भाग सामान्य प्रत्याय की दर। प्रश्न 74, ख्याति कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर, ख्याति बराबर लाभों का पूंजीकृत मूल्य बाकी विनियोजित मूल्य। प्रश्न 75, पूंजीकरण विधि में ख्याति का मूल्य शून्य कब होता है? उत्तर, जब औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य व विनियोजित मूल्य का अंतर शून्य या ऋणात्मक हो। प्रश्न 76, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के व्यवहार से संबंधित कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है? उत्तर, क जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए,
है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लेकर आता है। गय जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि आंशिक रूप से लाता है। घ जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की संपत्ति के रूप में लाता है। ड छिपी हुई ख्याति का लेखा। च विभाजन अनुपात परिवर्तन होने पर पर्सन स्वतंत्र ख्याति के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर प्रीमियम। पर्सन इठंतर है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों में किस तरह बांटी जाती है? उत्तर उनके त्याग अनुपात में। प्रश्न 79 नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है? उत्तर उन्हें नए मूल्य पर दिखलाने के लिए। प्रश्न 80 संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि व दायित्वों के मूल्यों में कमी होने पर क्या होता है? उत्तर लाभ। प्रश्न 81 संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होने का परिणाम क्या होता है? उत्तर हानि। प्रश्न 82 कर्मचारी भविष्य निधि किसका दायित्व होता है? उत्तर फर्म का। प्रश्न 83 कर्मचारी भविष्य निधि विज्ञापन व्यय आदि का बंटवारा साझेदारों के मध्य क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर क्योंकि यह फर्म का दायित्व होता है। प्रश्न 84 साझेदार की पूंजी का समायोजन किन आधारों पर किया जाता है? उत्तर नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का। 3 दी गई नई फर्म की पूंजी के आधार पर। प्रश्न 85 सूचना के अभाव में साझेदारों की पूंजी का समायोजन कैसे किया जाएगा? उत्तर नगद खाते के माध्यम से। प्रश्न 86 कर्मचारियों की संभावित क्षतिपूर्ति का संचय कहाँ से किया जाता है? उत्तर फर्म के लाभों में से। प्रश्न 87 निवेश के बाजार मूल्य की कमी की पूर्ति करने का समय आयोजन माध्यम क्या होता है? उत्तर निवेश उतार चढ़ाव संचय। प्रश्न 88 वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कब संभव होता है? उत्तर जब एक साझेदार दूसरे साझेदार से लाभ का अंश क्रय करता है। प्रश्न 89 दूसरे साझेदार का लाभ अंश क्रय करने वाले साझेदार को क्या कहते हैं? उत्तर लाभांवित साझेदार। प्रश्न 90 अपने लाभ का अंश विक्रय करने वाले साझेदार को क्या कहते हैं? उत्तर त्यागकर्ता साझेदार। प्रश्न 91 लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार किसकी क्षतिपूर्ति करते हैं? उत्तर त्याग करने वाले साझेदार की। प्रश्न 92 लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर लेखांकन में कौन से विषय विचारणीय हैं? उत्तर है त्याग अनुपात व फायदे के अनुपात का निर्धारण। ब ख्याति का लेखांकन व्यवहार। स संचय तथा अवितरित लाभ या हानि के लिए विभाजन का लेखांकन व्यवहार। द संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। पूंजी का समायोजन। प्रश्न 93 साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर साझेदारी का पुनर्गठन। प्रश्न 94 साझेदारी के व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश क्या कहलाता है? उत्तर नए साझेदार का प्रवेश। प्रश्न 95 नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर नया लाभ विभाजन अनुपात। प्रश्न 96 व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन क्या कहलाता है? उत्तर ख्याति। प्रश्न 97 नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के लाभ में जिस अनुपात में कमी होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर त्याग का अनुपात। प्रश्न 98 ऐसी ख्याति जिसे क्रय करने के लिए फर्म मूल्य देती है उसे क्या कहते हैं? क्रय की गई ख्याति। प्रश्न 99 सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है? उत्तर अधिलाभ। प्रश्न 100 ऐसी ख्याति जिसका प्रतिफल नहीं दिया जाता है जो फर्म द्वारा अपने व्यापार तथा सेवाओं से उत्पन्न होती है उसे कौन सी ख्याति कहते हैं? उत्तर स्वसर्जित ख्याति। प्रश्न 101 पिछले कुछ वर्षों के लाभों का औसत क्या कहलाता है? उत्तर औसत लाभ। प्रश्न 102 व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य कौन सी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? उत्तर पंजीकरण विधि द्वारा। प्रश्न 103 संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों के पुनर्निर्धारण के प्रभाव को दिखलाने वाला खाता कौन सा है? उत्तर पुनर्मूल्यांकन खाता। प्रश्न 104 साझेदारी फर्म का अवितरित या संचित लाभ क्या कहलाता है? उत्तर संचय।
प्रश्न 105, वह संचय जो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा संचय कहते हैं? उत्तर, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। प्रश्न 106, निवेश के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के समायोजन के लिए किया गया संचय क्या कहलाता है? उत्तर, निवेश उतार चढ़ाव संचय। आप महान देश के महान नागरिक हैं, रामावतार बटुक। धन्यवाद।